तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हो तो इस टाइम बहुत ही बढ़िया सा सीजन चल रहा है, कटिंग ग्रो कर सकते हो। कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगानी है, कैसे लगानी है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फर्स्ट प्लांट कोलियस। कोलियस एक परमानेंट प्लांट है, ब्यूटीफुल प्लांट है, आपके गार्डन को हमेशा बरकरार रखता है और एकदम डेकोरेट के पर्पस से भी बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसकी कलरफुल पत्तियां काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी होती हैं। इस प्लांट में आपको पानी थोड़ा कम डालना होता है, क्योंकि इसके स्टेम्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ज़्यादा पानी डालने की वजह से वो गल जाते हैं। 1 पार्ट मिट्टी लीजिए, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लीजिए और कटिंग को आपको ग्रो कर देना है, धूप में नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, सिर्फ आधा एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह आप रख सकते हो, वो भी 10 से 15 दिन बाद। तो इस तरीके से आपकी कटिंग 100% ग्रो होती है। नेक्स्ट कैलेंडुला। कैलेंडुला जो प्लांट होता है विंटर में फ्लावरिंग करने वाला होता है और इसके फूलों के 2-3 तरह के कलर होते हैं। इसके पास से जो नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं, स्टेम्स होते हैं इनमें इस तरीके से, तो आप इन्हें निकाल कर अलग कर सकते हो या फिर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हो। इसके फूल जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, केसर की तरह। इस प्लांट को आप पूरा दिन की धूप में रखिए, ओनली 7 से 8 इंच के कुंडे टाइप के पॉट में लगाकर आप इसको डेकोरेट के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट डहेलिया। डहेलिया प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी रहता है, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। एक बार फूल आने के बाद ना इसके ऊपर का फ्लावर कट कर दीजिए तो आपके पास बल्ब भी सेव हो जाते हैं। और ये प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, ऊपर के स्टेम से कटिंग लेनी है और नॉर्मल मिट्टी में आपको ग्रो कर देनी है। तो आप देख सकते हो मेरी कटिंग कितने अच्छे से सक्सेसफुल हो रही है। इस कटिंग को मैंने आधा एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह रखा हुआ है। नेक्स्ट साल्विया। साल्विया प्लांट भी विंटर में फूल देता है, मार्च अप्रैल तक आपको अच्छे से फूल देगा, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। पूरा दिन की धूप में रखिए। अभी इन सभी प्लांट में आपको 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना होता है। उसके लिए आप सरसों खली को भी डाल सकते हो, बोन मील, NPK, इस तरीके के खाद यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा डायंथस। डायंथस की भी बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। ये प्लांट जल्दी से गर्मी में भी ख़राब नहीं होता है। तो इसके जो फूल आते हैं, इन फूलों को सूखने के बाद आपको पिंच कर देना होता है, क्योंकि इनमें ना बीज बनना स्टार्ट हो जाता है और बीज बनने के बाद प्लांट पर फूल कम आने शुरू होते हैं, बीज ज़्यादा बनता है। तो आप सूखे हुए फूल को तुरंत से पिंच कर दीजिए, आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा। ये इसको भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हो और पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा पिटोनिया। पिटोनिया की जितना मर्जी कटिंग लगा दोगे ना, उतना आपकी इस टाइम पर ग्रो हो जाएंगी बहुत ही जल्दी, और फूलों के कलर भी इसके बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने पिटोनिया की कटिंग लगाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छे से मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं, और कुछ कटिंग्स पर तो मेरे फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मैंने बालकनी में रखे हुई हैं। और इन पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं, वो भी सिर्फ सरसों खली फर्टिलाइज़र से। मैरीगोल्ड या फिर गेंदा भी बोल सकते हो, एक बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला प्लांट है, जो कि परमानेंट प्लांट होता है। इसकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ सर्दियों में फूल देती हैं, बड़े फूलों वाली, ये हाइब्रिड वैरायटी होती हैं। लेकिन जो इसकी देसी वैरायटी होती है, जिन पर छोटे छोटे फूल आते हैं, उन्हें आप पूरे साल के लिए भी अपने गार्डन में रख सकते हो। ये वाला प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है और ये देसी फूल वाला है, जिसपे छोटे छोटे फूल आते हैं मैरून कलर के, और इन फूलों के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप पूजा में चढ़ा सकते हो और पूरा दिन की धूप में इस प्लांट को रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्लांचू। क्लांचू की कई सारी वैरायटी होती हैं, हाइब्रिड क्लांचू, देसी क्लांचू, और क्लांचू ना एक सकुलेंट प्लांट होता है, तो इसमें आपको पानी कम डालना होता है। इस टाइम पर आप देख सकते हो मेरे प्लांट पर कितनी अच्छी कलियाँ आई हुई हैं। अभी अगर आप इसकी कटिंग लगाओगे ना, तो ओनली 5 से 8 डेज में कटिंग तैयार हो जाएगी, और ये प्लांट तो ऐसा है कि एक एक पत्ती से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, बस पानी कम डालना है, पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा रोज़। रोज़ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जो कि हर किसी को पसंद होता है, और इसकी बहुत सारी वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट फूलों के कलर इसमें मिलते हैं, और इसके प्लांट 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 300-500 तक आपको नर्सरी में मिलते हैं। अभी आप इसकी कटिंग ग्रो करिए,
पक्का ग्रो होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होगी। मैंने इसकी कटिंग कैसे ग्रो करते हैं वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्रिसेंथिमम। क्रिसेंथिमम को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करने का ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जितना मर्जी इस प्लांट की कटिंग लगा दीजिए, क्योंकि ये कटिंग से ना बहुत ईजी तैयार हो जाता है प्लांट, तो आपके पास नेक्स्ट सीजन के लिए सेव भी हो जाएगा और कटिंग भी आपकी ग्रो हो जाएगी। इस प्लांट को आप परमानेंट प्लांट बोल सकते हो, क्योंकि ये सर्दियों में तो अच्छी खासी फ्लावरिंग कर देता है, लेकिन गर्मी में सिर्फ फूल नहीं आते हैं, ग्रीनरी इसकी बरकरार रहती है। एक बार फूल आने के बाद प्लांट को पूरा पिंच कर दीजिए, तो जैसे ही आपका प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी उसमें से न्यू स्टेम्स निकलेंगे तो प्लांट एकदम भर जाएगा। पोट में भरे हुए प्लांट ही अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा पोट रखिए, मिनिमम 7 से 8 इंच के पोट आप रखिए ताकि वो भरे हुए भी अच्छे लगे। और इसके फूलों के कलर बहुत सारे मिलते हैं, पूरा दिन की धूप में ये प्लांट रखा जाता है, इसके फूलों में से खुशबू बड़ी अच्छी आती है। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा अजेलिया। अजेलिया प्लांट के जो फूल होते हैं ये बिल्कुल गुलाब की तरह देखने में होते हैं और इसमें कई सारे कलर भी आपको मिलते हैं। इसकी कटिंग ग्रो करना बहुत आसान रहता है, इसकी कटिंग भी कैसे ग्रो करते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये प्लांट ना आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे सुबह की सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप मिले, पूरा दिन की धूप में आप इसको मत रखिए। अभी जैसे विंटर है तो इस टाइम पर ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, आप इस टाइम पर इसे बाहर रख सकते हो। इस प्लांट में आपको ज़्यादा हैवी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालने होते हैं, इसमें आप सरसों खली यूज़ कर सकते हो, NPK अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फ्यूसिया। ये मेरा फ्यूसिया का प्लांट है, अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं इसको कुछ दिन पहले ही लेकर थी। तो फ्यूसिया के भी बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, नीचे की साइड लटकते हैं, तो आप फ्यूसिया को ज़्यादातर से हैंगिंग पोट में लगाइए और इसके कलरफुल बहुत सुंदर सुंदर कलर आपको इसमें फूलों के मिलते हैं। ये प्लांट आपको 150 का नर्सरी में मिलता है, कटिंग से इजी तैयार हो जाता है, इसे भी 1 से 2 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह पर आप रख सकते हो। वेल ड्रेन मिट्टी तैयार रखिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा कॉर्नेशन। कॉर्नेशन प्लांट भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। वैसे ये डायंथस की ही एक वैरायटी है, लेकिन इसे कॉर्नेशन बोला जाता है क्योंकि इसके फूल डायंथस से थोड़े बड़े होते हैं। ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है, बीजों से भी ईजी तैयार होता है और कटिंग से भी ईजी तैयार हो जाता है, इसे आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा जिरेनियम। जिरेनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे इसके फूलों के कलर होते हैं, इसे पूरा दिन की धूप में रखिए, कटिंग से बहुत इजी तैयार होता है। इस प्लांट को जब ये पुराना हो जाता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, न्यू स्टेम इसमें से निकलते हैं, तो आप इन्हें कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हो, वो भी अपने घर पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।